असलम डियर स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टडीअल एनर्जी वर्क एंड एनर्जी के हम आज कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टडी करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव अस टू द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन अंट्रीपेटल फोर्स एवर डू वर्क ऑन एंड ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन के क्या फोर्स बॉडी पे कोई वर्क करती है या नहीं तो इसका आंसर है नो no. क्यों नहीं करती अन्ट्रिपिटल फोर्स कैन नेवर डू वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रिपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट और एज शोन इन फिगर जैसा कि फिगर में शो तो किया गया है कि ये देखें वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की सेंटर की तरफ होती है एक्सरेशन की सेंटर की तरफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन हर पॉइंट पे सर्कल सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे आप देख लें तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी और इसकी एक्सेलरेशन या इसकी फोर्स जो है द सेंटर ऑफ सर्कल होगी तो इन दोनों का आपस में एंगल बनता है नाइन्टी डिग्री अब मैथमेटिकल वर्क की तरफ आते हैं तो इट इज़ क्लियर फ्राम द फिगर डैट फोर्स एंड वेलॉसिटी डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा थीटा की जगह हम 90 डिग्री जब पुट करेंगे कॉस 90 ज़ीरो होता है तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एफ एस जीरो हो जाएगा तो टोटल वर्क डन ज़ीरो आ जाएगा इट मीन्स डैट ये कोई भी काम नहीं करती सेंट्रीपेटल फोर्स जो है ये वर्क डन सेंट्रीपेटल फोर्स का ज़ीरो है मतलब वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स व्हाट टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू सैंड बैग जब ये सैंड बैग में पेनिट्रेट हो जाती है तो इसका क्या आ, वो है एनर्जी को क्या होता है या वो किस में कन्वर्ट होती है कैनीटिक एनर्जी तो व्हेन बुलेट पेनीट्रेट्स इनटू अ सैंड बैग द एनर्जी बिकम जीरो बिकॉज द बुलेट स्टॉप्स व्हेन इट इनटू द सैंड बैग कैनीटिक बुलेट जब सैंड बैग को जाके टकराएगी तो उसकी एनर्जी जो है उस बैग को ओ, कुछ फाड़ने के काम आएगी उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ साउंड और हीट में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी तो और वो उसके सैंड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे तो ये उनमें डिवाइड हो जाएगी कानेटिक इनर्जी हेयर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ इन्वाल्व दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बिकॉज हाउ इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फॉम फ्राम वन फॉर्म टू अनदर ये एक हालत से दूसरी हालत में चेंज हो जाएगी हैंस द कानेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट इज़ कन्वर्टेड इन टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इट इंक्लूड्स हीट ड्यू टू फ्रिक्शन साउंड टारगेट मोशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन यही उसको मतलब उसके सैंड बैग को फाड़ने के काटने के काम आएगी एंड बुलेट काइनेटिक एनर्जी और अपनी जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है ये उन चीज़ों में काम आएगी कुछ इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये कुछ डिस्टेंस तक उसके अंदर पेनिट्रेट भी कर जाएगी और बाकी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सैंड बैग को काटने के काम आएगी उसको फाड़ने के काम आएगी और बाकी पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं अगर एक ही पार्टिकल हो और बुलेट के मास में ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो ये फिर उसको भी मूव करता है लेकिन क्योंकि सैंड बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं लाखों करोड़ों में सैंड के पार्टिकल्स होते हैं तो इस वजह से ये उनमें डिवाइड हो जाएगी तो टोटल चेंज जो है इसका कांस्टेंट आती है चेंज इन एनर्जी ऑफ बुलेट तो कांस्टेंट होती है जितनी इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी थी वो उन अब पार्टिकल्स में और मुख्तलि दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई है थर्ड वन है अ मेटियोर इंटर्स इंटू अर्थ एटमोसफियर एंड बर्नस वट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी मेटीर जब अर्थ एटमोसफियर में इंटर होता है तो उसके काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है वैन अ मेटीर इंटर्स इंटू अर्थ एटमोसफियर एंड बर्न देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इंटू हीट लाइट एंड साउंड एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कभी कभी हमें रात को आसमान पे लाइट सी जा रही होती है तो ये ब्रोकन मेटियोर क्या होता है ब्रोकन स्टार स्टार का टूटा हुआ हिस्सा होता है ब्रोकन पार्ट ऑफ अ स्टार तो दिन को तो सूरज की रोशनी में वो नज़र नहीं आते लेकिन रात को रात के अंधेरे में वो कभी कभी हमें नज़र आते हैं तो वो टूटा हुआ हिस्सा स्पेस में तो ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर वो मूव कर जाते लेकिन जैसे ही हमें नज़र नहीं आते फिर लेकिन जैसे ही इसमें अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं यहाँ इन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है अपनी विलासिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है तो जैसे ही इनकी विलॉसिटी और ऑक्सीजन इनको मिलती है तो इनको आग लग जाती है तो अमेटीयर हैज़ बहुत पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एज इट इंटर्स इन टू द एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स टूआ देंटर ऑफ दर्थ टूआ द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रिक्शनल हीटिंग अकर्स कॉस्ड बाई कोलिजन विद मालिक्यूल्स विद मॉलिक्यूल्स इन द एटमोस्फियर विच रिड्यूस इट्स वेलोसिटी हैज द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज विच इज़ कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी और उस हीट एनर्जी की वजह से इसको आ, फायर ये पकड़ लेता है आग पकड़ लेता है नेक्स्ट वन है इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर टू बुलेट्स आर फायर्ड एट द सेम टाइम विद द सेम काइनेटिक एनर्जी इफ वन बुलेट हैज़ ट्वाइस द मैस ऑफ अदर विच हैज़ ग्रेटर स्पीड एंड बाई वट फैक्टर दो बुलेट्स हैं अब ये कहता है कि उनको एक ही टाइम पे फायर किया गया उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है एक बुलेट का मैच जो है वो दूसरी बुलेट से सेकंड बुलेट का जो मैच है वो फर्स्ट वन से डबल है तो कहता है कि स्पीड किसकी ज़्यादा होगी और काम ज़्यादा कौन सा बुलेट करेगा और उसका स्पीड बाई वट फैक्टर मतलब कितना गुना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ वी नो डेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज हाफ़ एम वी स्क्र ये काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फॉर द फर्स्ट बुलेट इज हाफ एम वन वी वन स्क्र काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेकेंड बुलेट हाफ एम टू वी टू स्केयर अब एक बुलेट का दूसरी बुलेट से मास सेकेंड बुलेट का दूसरी फर्स्ट वन से मास डबल है तो जब ये हम टू एम वन पुट कर लेंगे तो हाफ़ एम की जगह एम टू की जगह टू एम वन वी टू तो ये इसका आ, टू एम वन वी टू स्केयर आएगा अब काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है हाफ एम वन वी वन स्केयर हाफ एम टू वी टू स्केयर एम टू की जगह पे एम टू की जगह पे टू एम वन पुट करना है तो ये हो जाएगा टू एम वन हाफ एम वन वी वन स्केयर हाफ हाफ काट जाएगा एम वन एम वन काट जाएगा तो ये आ जाएगा वी वन स्केयर इक्वल टू वी टू स्केयर टू वी टू स्केर दोनों साइडों पर अंडर रूट लेंगे तो टेकिंग स्केयर रूट्स ऑन बोथ साइड वी वन स्क्यर इक्वल टू टू वी टू स्केयर अंडर रूट तो अंडर रूट तो इनके कट जाएंगे और टू पे अंडर रूट बरकरार रहेगा इट इज़ क्लियर फ्रॉम द क्योंकि वो पॉइंट्स में आंसर वन पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा तो इस वजह से हमने राउंड फिगर किया है ताकि हमें इस इसी तरह ही इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन डेट द फर्स्ट बुलेट विल मूव विद ग्रेटर स्पीड बाय अ फैक्टर ऑफ अंडर रूट टू फर्स्ट बुलेट जो है वो अंडर रू टू फैक्टर्स के साथ आ, उसका स्पीड तेज रहेगा सेकेंड बुलेट की निस्बत एंड इट इज़ गिवन डेट बोथ द बुलेट्स हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोथ द बुलेट्स विल डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क उनका काम जो है वो सेम होगा वर्क डन क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क डन बाय बोथ द बुलेट्स विल बी द सेम दोनों बुलेट्स जो काम करेंगी वर्क डन होगा वो उनका सेम होगा क्वेश्चन नंबर फाइव है कैन एन ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ इट रिमेंस एट द सेम एलिवेशन कहता है कि अगर सेम हाइट पे रहें तो उनकी डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है यस yes. an object have different amount of gravitational potential energy if it remains at the same elevation same height elevation means the body kidney height ya kidney uh, elevate above because the gravitational potential energy is measured with respect to reference point which could change the reference point could be the ground level basement level or any other arbitrary point means imaginary point so हम इसके देखते हैं अब इज़ टेकन टू द बुट बॉटम ऑफ अ वेल विद रिस्पेक्ट टू बॉटम ऑफ वेल इट एज़ ज़ीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब ये उसके रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि उसका हम किस रेफरेंस से देख रहे हैं अगर किसी बाल्टी को हम बॉटम ऑफ वेल कुएँ के बिल्कुल बॉटम तक ले जाएँ तो विद रिस्पेक्ट टू बॉटम ऑफ वेल उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी बट विद द ग्राउंड लेवल उसके विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेवल उसका कैनेटिक उसका पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच के फैक्टर से इसमें फिर आप एच की वैल्यू डाल दें कि वो कितनी डेप्थ में हम उसे लेके गए हैं तो उससे हमें इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी तो इट ओनली टोटली मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन एच मैथ तो किसी भी पॉइंट पे ले जाएं हाइट पे ले जाएं डेप्थ में ले जाएं मैथ तो सेम रहेगा जी की वैल्यू सेम रहेगी एच जो है जी की वैल्यू चेंज होती है लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट पे चेंज होती है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर तकरीबन तकरीबन इसकी नाइन पॉइंट एट ही वैल्यू रहती है और एच के आप कितनी हाइट पर ले के जा रहे हैं हाइट पर ले के जा रहे हैं या डेप्थ पे इस केस में हम हाँ डेप्थ पर गए अगर दूसरा केस हम स्टडी करें तो कोई बंदा एक अर्थ पे खड़ा है और दूसरा बंदा फिर उसी बंदे को हम एरोप्लेन में बिठा के तो वो हाइट पे चला जाएगा उसकी हाइट पे कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगी तो इट डिपेंड्स ऑन एच नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वाई डू रोड्स लीडिंग टू टॉप ऑफ माउंटेंस बैक एंड फोर्थ के जब टॉप ऑफ माउंटेन पे जाते हैं तो वहाँ के जो रोड हैं इस तरह विंड बैक एंड फोर्थ क्यों है इस तरह मोड़ 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 के क्यों जाते हैं बस डायरेक्ट सीधा क्यों नहीं नीचे से सीधा फैसल मस्जिद से मनाल तक सीधा एक ही हमने रोड क्यों नहीं बना दिया ये इतना टर्न देने की क्या ज़रूरत टर्न देने की ज़रूरत ये थी कि उससे एंगल कम हो जाता है एंगल ऑफ़ इंक्लिनेशन कम होगा जितना एंगल कम होगा उतना वर्क डन ज़्यादा आएगा उतनी फ़ोर्स हमें कम चाहिए होगी नीचे से बिल्कुल इधर यहाँ से लेके इस हाइट तक इस तरह अगर डायरेक्ट हम एंगल ऑफ़ इंक्लिनेशन बना देंगे तो वो एंगल काफ़ी ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ेगी इधर जाने तक तो वो गाड़ियों के ब्रेक्स और गियर वगैरह टूटने का खतरा होता है इतनी हाइट पे अगर एकदम वो गाड़ी उसको उतनी फोर्स ना दे सके उतना इंजन जो है गाड़ी का उतनी फोर्स ना दे सके और उसमें स्लिपिंग का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन ये जब इस तरह टर्न दे दे के हम किसी हाइट तक जाते हैं अक्सर पहाड़ी एरियाज़ में हिली एरियाज़ में चित्राल वग़ैरह में सवात में अबटाबाद में मानसेरा में हत अगर आप फैसल मस्जिद से लेके मोनाल हाइट तक जाएँ दामनिको तक जाएँ तो वहाँ भी आपको रोड जो है विंड बैक एंड फोर्थ आपको मिलेंगे मोड़ 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 के ऊपर रोड जा रहे हैं डायरेक्ट रोड कोई भी नहीं है वैन द रोड लीडिंग अप माउंटेन विंड बैक एंड फोर्थ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रोड इज़ लेस डेट ऑफ रोड गोइंग स्ट्रेट अप द माउंटेन मैथमेटिकली इसको स्टडी करते हैं डब्ल्यूजिकल टू एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा ये इस थीटा पे डिपेंड करता है दिस रिड्यूस द फोर्स नेसेसरी टू ड्राइव द कार अप द रोड जितना ये जीरो होगा उतना वर्क डन मैक्सिमम आएगा मतलब ये जीरो है तो वर्क डन मैक्सिमम आएगा जितना एंगल कम होगा उतनी फोर्स कम लगेगी और उतना वर्क डन ज़्यादा होगा दिस रेड्यूस द फोर्स नेसेसरी टू ड्राइव द कार अप द रोड एंड द रिक्वायर्ड पावर आउटपुट ऑफ द इंजन एज वेल द लेंथ ऑफ द रोड इज़ इंक्रीज हाव एवर द टोटल वर्क डन दैट मस्ट बी डन टू रीच द टॉप ऑफ माउंटेन रिमेन्स द सेम और मे बी लार्जर इफ़ फ्रिक्शनल फोर्स आर टेकन इनटू अकाउंट अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को भी ले लें तो फिर वर्क डन उसका ज़्यादा आ जाता है लेकिन ये है कि एक्चुअल जो इसमें वजह है वो ये यही है कि एंगल का जो है एंगल पर डिपेंड करता है एंगल कम होगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा और ईज़िली हमें कम फोर्स लगा के हम वरना अगर इंकलाइन पाथ पे जाएंगे तो हमें फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी हमारे इंजन की पावर बहुत ज़्यादा खर्च होगी क्वेश्चन नंबर सेवन है विच वुड हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबलिंग द मैस और डबलिंग द वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कहता कि किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी पे मैथ्स डबल करने का या वेलोसिटी डबल करने का तो डियर स्टूडेंट हम बारी बारी दोनों वैल्यूज़ पुट करके देख लेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर अब इसमें एम की जगह पे हम मैथ्स डबल करते हैं तो टू एम डैश डालेंगे टू एम डैश डालेंगे तो ये ई के टू ये वाला टू हम बाहर लिख लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर अंदर वही रह जाएगा तो टू काइनेटिक एनर्जी अब वेलोसिटी को डबल करके देखें टू वी इसकी वैल्यू डालेंगे तो ई के डैश हाफ एम टू वी होल स्क्र हाफ एम फोर वी स्क्यर तो फोर काइनेटिक एनर्जी इससे आ जाएगा फोर टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट डबलिंग द मास द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज टू टाइम जब हमने मास डबल किया था तो काइनेटिक एनर्जी टू टाइम्स इंक्रीज की जब वेलोसिटी डबल की तो काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम्स डबल आई फोर टाइम्स फोर इंक्रीज़ की तो बाई डबलिंग द वेलोसिटी द कानेटिक एनर्जी इंक्रीजेज फोर टाइम्स हैंस डबलिंग द वेलोसिटी विल इफेक्ट ग्रेटली ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैन डबलिंग मैस जब मैस डबल होगा जब मैस डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट डबल हो जाएगी लेकिन वेलोसिटी के, के केस में ये होल स्केयर आ रहा है यहाँ पर हम इसका स्केयर ले रहे हैं ये विलोसटी का स्केयर ले रहे हैं तो इस स्केयर से फोर टाइम्स चीज़ की वैल्यू आ जाएगी अगर ये हमने वालासटी डबल की है तो इसका फोर टाइम्स आ जाएगा ट्रिपल करें नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह होगा कि थ्री करेंगे चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो वहाँ पर देख लेते हैं अगर यहाँ पर थ्री टाइम्स वॉस्टी करेंगे तो वो नाइन टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी तो ये था डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेवन नाउ मूव टूअर्ड्स क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल ट्रिपल्स अगर उसका स्पीड थ्री टाइम्स इंक्रीज कर जाए बाई वट फैक्टर डज काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज़ कहते कि अगर वेलोसिटी थ्री टाइम्स इंक्रीज़ कर जाए तो उसकी एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा कितने फैक्टर से वो इंक्रीज़ करेगी द कानेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई हाफ़ एम वी स्क्यर बट गिवन डेट वी डैश इक्वल टू थ्री वी पुट का हमने थ्री टाइम्स करना है तो थ्री वी इसका जब स्क्वेयर लेंगे तो नाइन हो जाएगा नाइन बाहर लिख ले तो अंदर रह जाएगा हाफ एम वी स्क्यर नाइन इंटू काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी पे वेलोसिटी डबल थ्री कर, टाइम्स करने का क्या फ़र्क पड़ेगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी नाइन टाइम्स हो जाएगी इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अब इक्वेशन इफ़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल ट्रिपल्स देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विल इंक्रीज नाइन टाइम्स तो नौ गुना उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स अब लास्ट uh, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो लास्ट क्वेश्चन है द मोटर ऑफ द मोटर ऑफ अ क्रेन यूज पावर पी टू लिफ्ट अ स्टील बीम बाई वट फैक्टर मस्ट द मोटर पावर इनक्रीजेज टू लिफ्ट द बीम ट्वाइस एज हाई इन हाफ द टाइम कहता कि, कि किसी मोटर का जो पावर है वो बीम उठाने के है। वो बीम उठा रहे तो उस पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर हम उसे लिफ्ट द बीम ट्वाइस एज आई अगर उसे डबल हाइट पे ले जाएं उस बीम को और इन हाफ़ द टाइम हाइट डबल कर दें और टाइम पीरियड हाफ़ कर दें तो मैथमेटिकली हम देखते हैं पावर इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम वर्क डन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है क्योंकि हाइट पे उस बीम को लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच पी इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाय टी आ गया तो हाइट को हमने अभी डबल करना है तो टू एच और टाइम को हमने हाफ कर रहे तो टी डिवाइडेड बाय टू तो यहाँ पे जब एम जी एच की जगह पे टू एच और टाइम की जगह पे टी डिवाइडेड बाय टू तो पी डैश की वैल्यू आ जाएगी टू एम जी एच डिवाइड बाई टी डिड बाई टू तो ये टू थर्ड उसमें आ रहा है तो ये उस टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंदर रह जाएगा एम जी एच डिवाइडेड बाय टी दिस इज पावर तो p- डैश इक्वल टू फोर पी इट इज़ क्लियर फ्राम द इक्वेशन बाई डबलिंग द हाइट एंड हाफ़ द टाइम द पावर बिकम्स फोर टाइम्स इससे हमें पता चला मैथमेटिकली हमने ये प्रूव किया कि अगर हम हाइट को डबल कर दें और टाइम को हाफ़ कर दें तो उस मोटर की पावर फोर टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी डियर स्टूडेंट्स रिवाइज ऑल दीज कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे साथ uh, हम डेली तकरीबन एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो आई होप के आफ्टर वन मंथ आपके थर्टी टॉपिक्स कवर होंगे तो डियर स्टूडेंट्स रिवाइज ऑल दिस टॉपिक्स राइट इन योर नोट बुक्स एंड थैंक यू अल्लाह हाफिज